अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी एंड खस्ता मठरी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप गेहूं का आटा लिया है, नॉर्मल आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, 1/2 कप सूजी, बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसे ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लें। 1/2 कप हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए एक अच्छा सा मोइन बना के तैयार कर लेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा भी ऐड किया है जो कि मुझसे स्किप हो गया था। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये गेहूं के आटे की मठरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, काफ़ी ज़्यादा खस्ता बनती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो एक अच्छा सा मोइन बन चुका है, अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेंगे। डो को हमें हार्ड बनाना है, सॉफ्ट डो बिल्कुल भी बना के तैयार नहीं करना है। अगर आप सॉफ्ट डो बनाएंगे तो आपकी मठरी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखें, डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया है 2 से 3 मिनट के लिए, एक अच्छा सा डो बन चुका है। तो चलें अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो मैंने पेड़ा बना के तैयार कर लिया था, उसे मैंने रख दिया है और अच्छे से बेलन की हेल्प से हम इसे बेलकर एक अच्छी सी बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। तो रोटी को ना ही ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा मोटा बनाना है, मैं इसकी थिकनेस दिखाऊंगी। तो ये देखें, इतनी ही हमें रखना है। एक अच्छी सी बड़ी सी रोटी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम लगा देंगे मोयन। तो उसके लिए मैंने लिया है देसी घी। अगर आप चाहें ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मेल्टेड घी नहीं था तो मैंने इसे अच्छे से लगा दिया है। आप चाहें ब्रश की हेल्प से भी ग्रीस कर सकती हैं। तो ये लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आपकी मठरी जो है काफ़ी ज़्यादा लेयर वाली और खस्ता और अच्छी बनके तैयार होगी। तो मैंने इसे लगा दिया है, ऊपर से गेहूं का आटा डस्ट कर दिया है। अब इसे हम रोल बना के तैयार कर लेते हैं। रोल को हमें टाइट बनाना है, लूज़ बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अगर आपका रोल टाइट बनेगा तो आपके ये पेड़े जो है काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो हम इसी तरीके से इसे रोल कर लेते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी सी बनने वाली ये मठरी रेसिपी। अगर आज से पहले आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसे मैंने राउंड कर लिया है, यानी गोल शेप दे दिया है। हल्के हल्के हाथों से हम राउंड राउंड कर देंगे ताकि सभी आपस में अच्छे से जुड़ जाएँ। हल्के हाथों से करना है जिससे कि ये लेयर काफ़ी अच्छी बनेगी। तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो हम इसे बराबर बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों। अगर आपके बच्चे बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसे बना लीजिए और स्टोर कर लीजिए, महीनों आप इसे स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। चाय के साथ सर्व करें या ऐसे ही खाएं, बहुत ही मज़े का स्नैक बनके तैयार होता है। तो इस तरीके से पेड़े कट कर लिए और हम हथेलियों की हेल्प से हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि ये थोड़ी सी चिपटी शेप में बन जाएगी। तो बाकी भी ऐसे ही बना के तैयार कर लेते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस से ये रेसिपी बनती है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपका जब भी कुछ अच्छा खाने का मन हो तभी आप ये रेसिपी बना सकती हैं। एक बार बनाएंगे, महीनों खाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। 1 बाय 1 करके पेड़े को हम रख देंगे और अच्छे से सेट करते हुए हाथों की हेल्प से हम प्रेस कर देंगे ताकि सभी पेड़े एक बराबर हो जाएं।
तो मैंने चार चार पेड़ों का एक दो पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं, एक एक्स्ट्रा था यानी मैंने पांच पेड़े का एक पेड़ा बना के तैयार किया है और दूसरा पेड़ा चार पेड़े से है। तो इसे रख देते हैं साइड पे। फिर हमने हाथों से इसे हल्का सा प्रेस किया है और फिर हम बेलन की हेल्प से एक अच्छी सी बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेते हैं, इसलिए रोटी बन जाती है। तो सेम प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी ये मठरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे काजू मठरी की रेसिपी अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। मूंग की दाल काजू मठरी की भी रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, चकली की है, सारी चीज़ों की रेसिपी अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर ले, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक अच्छी सी बड़ी सी रोटी को मैंने बना के तैयार कर लिया है। ये देखें, इसकी थिकनेस हमें इतनी रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हमें स्क्वायर शेप दे देना है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट कर देना है और इसे फिर से हमने पेड़े बना के दोबारा से इस्तेमाल कर लेना है। तो इसे हम किनारे के साइड को निकाल लेंगे और एक साइड पे रख देते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, तो जैसा कि हम फिंगर चिप्स बनाते हैं वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर लेना है। तो ये देखें, बहुत ही अच्छे से कट हो जाते हैं और ये नाश्ता बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपका जब भी दिल करे कुछ अच्छा खाने का तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। अब इसे हम रख देते हैं एक साइड पे। तो अगर आप चाहें तो अपना मनचाहा शेप भी दे सकते हैं। गेहूं के आटे से इतना क्रिस्पी आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बाकी भी नाश्ते को ऐसे ही बना के मैंने तैयार कर लिया है, यानी स्नैक्स को। तो ये देखें, ये मठरी बन चुकी है। अब इसे रख देते हैं एक साइड पे, अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और वन बाय वन करके मठरी को ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पे मठरी को बिल्कुल भी ना फ्राई करें, क्योंकि ऊपर से क्रस्प हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे और सॉगी हो जाएंगे, खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। इसलिए आपको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि अच्छे से क्रस्प हो जाए और ज़्यादा देर के लिए क्रिस्पी बने रहें। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से कुक किया है, अलटते पलटते हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि ये मठरी जो है अच्छे से कुक हो जाए। बहुत ही अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगती है। तो आप इसे चाय के साथ या फिर ऐसे ही बैठ के ज़रूर इंजॉय करें। तो ये देखें दोस्तों, 3 मिनट हो चुके हैं, मठरी में जो ऊपर बबल्स आ रहे थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं, मतलब कि मठरी अच्छे से कुक हो चुकी है, अच्छे से फ्राई हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हुई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मठरी कितनी क्रिस्पी बनी होगी। तो ये देखें दोस्तों, बाकी मठरी को भी हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे सबसे पहले। फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये ले दोस्तों, ये भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब दूसरा बैच भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं, मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई कर लेना है। 1 कप गेहूं के आटे से इतनी सारी मठरियाँ बनके तैयार हो जाती हैं, तो एक बार में आप इसे बना लें और डब्बे में एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और महीनों खाएं, बिल्कुल भी ख़राब या नरम नहीं पड़ेंगे। तो ये देखें दोस्तों, बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी सी मठरी बनके तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे सर्व कर देंगे। इसके साथ मैंने चाय बनाई थी, तो अगर आप लोगों को चाय पीना पसंद है तो मेरे चैनल पे चाय की रेसिपी भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। मैंने कश्मीरी यानी पिंक चाय की रेसिपी भी
अपलोड की है, मेरे चैनल पे है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर ले। तो ये देखें दोस्तों कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, इसकी आवाज़ सुनें। और ऐसे ही बनी रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप लोग भी बनाएं, इंजॉय करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मैं मिलूँगी इंशाल्लाह ऐसे ही आसान वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।